बढ़ते अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में राजधानी लखनऊ पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब राजधानी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने 22 साल के फरार चल रहे 20,000 के इनामी राधेलाल कश्यप को बस अड्डे से पकड़ा। उपयुक्त हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 22 साल से फरार चल रहा था। एक इनामिया को आज पकड़ा गया है, उसका नाम राधेलाल उर्फ राधेश्याम, पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल, वजीरगंज में किराए के मकान इनका है जहां पर ये रहते थे। इनके ऊपर 3 केसेज हैं जो पुलिस थाने में रजिस्टर्ड हैं। नाका क्षेत्र में एक मर्डर का केस है और एक आर्म्स एक्ट का केस है जो रजिस्टर हुआ है, और वजीरगंज में इनके ऊपर 307 जान मारने की नीयत से हमला किया गया है 70/98। तो इनके ऊपर 1998 से ही केस रजिस्टर्ड हैं। लगभग 20 साल से ये फरार चल रहे थे, इनके ऊपर इनाम भी घोषित था और इनका कहीं भी इनका पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। नाका पुलिस और क्राइम टीम लग करके इनके ऊपर इनको अरेस्ट किया है और हम इसके लिए नाका पुलिस को और उनकी क्राइम टीम को उनको बधाई देते हैं। कितने का इनामिया था, कहां इसकी गिरफ्तारी हुई है? ये 20,000 रुपये का इनामिया था और इनकी यहाँ पर बस अड्डे के पास से 4 बाग से इनको तमंचे के साथ और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।